अगर आप रोज 100 पुशअप लगाते हो तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी बॉडी के लिए कोई और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी और हेल्थी बॉडी के लिए रोज 100 पुशअप ही काफी है। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग 5 से ज्यादा पुशअप लगा ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोगों का भी पुशअप लगाने का स्टैमिना काफी कम है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम जब भी पुशअप लगाना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हम लोग 3 पुशअप या 4 पुशअप, ज्यादा से ज्यादा हम 10 पुशअप लगाते हैं और थक जाते हैं। और ऐसा कुछ दिन तक चलने की वजह से हमको लगता है कि हम पुशअप अच्छे से नहीं लगा पाएंगे और हम पुशअप लगाना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लोग का पुशअप लगाने की टेक्निक बहुत खराब है। हम लोग जब भी पुशअप लगाते हैं तो खराब टेक्निक के साथ लगाते हैं। हमें जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए आप लोग या तो पुशअप छोड़ देते हैं या तो बहुत लंबे समय बाद आप एक अच्छा पुशअप लगा पाते हैं। मैं आप लोगों को आज एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। आपको इसे सिर्फ 1 महीने तक फॉलो करना है और आप लोगों के पुशअप लगाने की स्टेमिना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप जब भी पुशअप लगाओ तो सबसे पहले आप लोग वार्म अप करो और कम से कम 15 मिनट तक वार्म अप करो ताकि आपके शरीर की सारी नसें खुल जाएं, आपका शरीर गर्म हो जाए। और फिर आपको ये एक एक्सरसाइज करना है जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है। इससे आपका कंधा मजबूत बनेगा। आप इस पोजीशन को जितना देर तक होल्ड कर सको उतना देर तक होल्ड करना, फिर रेस्ट करने के बाद पुशअप लगाना स्टार्ट कर देना। अब बात करते हैं कि आपको पुशअप लगाना कैसे। तो पहले दिन आप 10 पुशअप लगाइए, दूसरे दिन 20 पुशअप लगाइए, तीसरे दिन 30 पुशअप लगाइए। इस तरह से 10वें दिन आपको 100 पुशअप लगाना है। और जरूरी नहीं है कि 100 पुशअप आपको एक बार में लगाना है या पहले दिन 10 पुशअप आपको एक बार में लगाना है। अगर आप पहले दिन 10 पुशअप को 10 बार में भी लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अगले दिन 20 पुशअप लगाना है, उसके अगले दिन 30 पुशअप लगाना है, चाहे जितनी बार रेस्ट लेके लगाना पड़े, लेकिन आपको पुशअप कंप्लीट करना है। और जब 10 दिन बाद आपका 100 पुशअप लगाने का स्टेमिना बन जाएगा तो आपको 11वें दिन से 100 पुशअप लगाते रहना है। और आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि 1 महीने बाद आप लोग इजिली 2 से या 3 बार में 100 पुशअप लगा ले रहे हैं। और आपको ये एक्सरसाइज पुशअप लगाने के बाद भी करना है ताकि आप लोगों को और स्ट्रेंथ मिल सके, ताकत मिल सके, आपके कंधे मजबूत हो सकें और आप जल्दी से जल्दी 100 पुशअप लगाने का टारगेट अचीव कर सकें। तो भाई, अगर आप लोगों ने मेरे इस रूल को फॉलो कर लिया तो आप लोग 1 महीने में बहुत आसानी से 100 पुशअप लगाना शुरू कर देंगे। और गारंटी लीजिए, अगर आप लोग 100 पुशअप लगाना शुरू कर देते हैं पर डे तो आपको कोई और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर फिट रहेगा और हेल्थी भी रहेगा। साथ में आपको देसी डाइट लेनी है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने देसी डाइट के बारे में बताया है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो भाई, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।